देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने 2 मिनट का मौन धारण रखा और इसके बाद वे गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ पहुंचे। उधर राष्ट्रपति भवन से द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो बग्घी में कर्तव्य पथ पर गए। 1984 के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए इसे पहुंचा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराया है। 13,000 स्पेशल गेस्ट भी पहुंचे। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और लोकतंत्र की मातृका जननी है। सबसे खास बात यह है, इस साल कर्तव्य पथ पर नारी शक्तियों ने हुंकार भरी। परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन ने शंख नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किया। 100 महिलाओं ने अपने पारंपरिक पहनावे में लोक नृत्य किया। फ्लाइट पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट हिस्सा लिया है और इसमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट भी शामिल है। फ्लाई पास्ट में पहली बार फ्रांसीसी सेना के राफेल भी शामिल हुए।